सोचा कि चलो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वो भी भगवान जी के मंदिर से। तो बस अभी सुबह हो गई है और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो पूजा कर रहे हैं तो शूट भी कर लेती हूँ मैं। और बताइए आप सब लोग क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मैंने भी शावर वगैरह लिया हुआ है और पूजा करी है, उसके बाद में मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी पहले बना के रख लिया था। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट, बाय। ब्रेकफास्ट रेडी है और आज मैंने बनाई हुई है आलू वाली सैंडविच, खाओगे क्या आप लोग? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब पता है जल्दी मैं इसकी एक रेसिपी भी लेके आने वाली हूँ, थोड़ी सी वो डिफरेंट है, बट मैंने शूट कर ली, बस जस्ट उसको अपलोड करना है, तो मैं आप लिए लाऊंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जब तक इंजॉय करते हैं हम इसको। तो बहुत टेस्टी बनी है, मतलब कि मैं अपनी तारीफ नहीं करी हूँ, बाकी टेस्टी बनी है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना हर चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ब्रेकफास्ट होते हैं ना, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। भले ही मैं ब्रेड खा रही हूँ, बट ये ब्राउन ब्रेड है तो वो ये नुकसान नहीं करती ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड से ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब ब्राउन ब्रेड ज़्यादा अच्छी होती है वाइट ब्रेड के अपेक्षा। सब लोग वाइट ब्रेड ना अवॉइड करते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं, ये हेल्दी है। कर रही हूँ अभी पैकिंग और आप लोग देखिए मेरी पैकिंग। फिलहाल तो मैं अभी टॉवल्स रख रही हूँ और अभी मैंने अपने हस्बैंड के अपने के दोनों कपड़े रख लिए हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं, सो जस्ट उसी की पैकिंग कर रहे हैं। तो मैं सोचा चलो आज फिर से अपनी पैकिंग शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। और मैंने एक साड़ी भी रख रही हूँ एक्चुअली अपनी, ये देखिए येलो साड़ी है, और अगर मैं वहाँ पहनती हूँ तो आपको बताऊँगी मैं। वैसे मैं इसको ऐसे ही चलूँ, और कुछ कॉस्मेटिक वगैरह है तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो ये सब चीज़ें, ये परफ्यूम वगैरह मैं, सो ये सारी चीज़ें मैंने रखनी है, सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसी पैकिंग हुई आज मेरी, थोड़ा जल्दी में है इस वजह से, रास्ते में चलेंगे तब बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कैसी पैकिंग चल रही है, जल्दी 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 वाली। तो यहाँ पे हमने कपड़े रख लिए हैं, इनके नीचे यहाँ पे कपड़े इनके रखे हुए हैं, ये दोनों साइड मेरे कपड़े रखे हैं। इस बार ना मेरे कपड़े कम, तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करना, इस बार मेरे कपड़े कम है, इनके कपड़े ज़्यादा है, ठीक है? जस्ट मैं इसको बंद कर देती हूँ बिकॉज पैक हो गया है यार। वैसे इतना टाइम ही नहीं लगता पैकिंग करने, जितना आप लोग बोलते हो लड़कियाँ बहुत टाइम लगाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही लड़कियाँ ज़्यादा कपड़े करती हैं, ठीक है ना?
तो थोड़े बहुत कपड़े रख लिए हुए हैं। सो चलिए इस बैग को हम क्लोज करते हैं, जल्दी जल्दी से पैकिंग खत्म करते हैं। और देखिए एकदम फुल हो गया है, बस एक हैंडपर्स ले जाना बाकी रहेगा और बाकी तो सारी चीज़ें हो गई हैं। और पता है आप सबको, ग्वाले में ना बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है आजकल। पता है नीचे से ना मैं पैकिंग भी करती जा रही हूँ बिकॉज कैमरा थोड़ा ऊंचा है सो आपको शो भी नहीं हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। तो पता है आपको, ग्वालियर का जो वेदर है ना वो काफ़ी ठंडा हो गया है बिकॉज दो दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली रात भर बारिश हुई है और सुबह मॉर्निंग तक हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि वेदर जो है ठंडा हो जाएगा। क्या है कि कुछ कपड़े रह गए थे जो मैंने बताया ना, लास्ट में कुछ ना कुछ रह जाता है, तो बस वही। तो चलो उसको भी मैं जल्दी से रख लेती हूँ और उसके बाद में ना हम लोग को निकलना भी है, ठीक है ना। तो इस बार की जो पैकिंग है ना वो कुछ ज़्यादा ही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ ज़्यादा नहीं होगी इस बार की पैकिंग बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, होती रहती है ना सो चलिए जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। हाय गाइस, सो बताओ मैं आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देख लो मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ अपने घर। सो मैं जा रही हूँ अपने मायके, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छी तरह से बताऊँगी ना मैं आपको। तो मैं जा रही हूँ, सो आई एम सो हैप्पी, रियली रियली हैप्पी। और मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, दोनों लोग जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं घर। तो वही मैं आपसे बताई थी, तो मैंने आपसे बोला था आगे मैं पैकिंग कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तो बस वहीं जा रही हूँ मैं। तो चलिए वहीं पर मिलते हैं और रास्ते में चलते हैं, मस्ती करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या करते हैं। लेट्स गो। सो जाना, मैं निकालूं आपका चिप्स चाहिए, चिप्स। वो चलता रहेगा ना, नींद नहीं आएगी, पता नहीं क्यों आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है वो चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी। कार पीछे रखे है ना, ये चिप्स जो कि स्विगी से ऑर्डर करे हुए थे और ये ऐसे ही पैक रखे हुए हैं, तो मैं इसको ओपन करके देती हूँ, ठीक है आपके। अच्छा एक बात बताइए, मेरा स्टैंड कहाँ रखा था आपने? हाँ मिल गया मिल गया। सो जो यूट्यूबर्स होते हैं ना उनको अपना स्टैंड साथ में लेके आना पड़ता है। सो ये रहा मेरा स्टैंड, ये रहा बनाना चिप्स, और ये कौन सी सिंपल वाली कौन सी है? शांति भी अच्छी लगती है ना। हाँ गाने में तो अच्छी लग रहा है, शांति अच्छी लग रही है, शांति शांति शांति। ये रही पोटैटो चिप्स, दोनों चिप्स हैं आपकी फेवरेट। अभी भी काफी दूर है, पति ने मैं आपकी गाड़ी लूँ तो मैंने बहुत स्वाद कर दी थी, या पति ने
लेके आए। आज ना धूप भी बहुत है, अभी तक मौसम ठीक था बट अभी फिर से गंदा हो गया है। बट क्या करें, आइसक्रीम ही खाते हैं। आप ओपन कर दो मेरी, मैंने ना इनकी वाली ले लिया और इन्होंने मेरी ले लिया। आप लोग खाओगे क्या आइसक्रीम बताओ? ये लो आप लोग के लिए ली। आपकी ये कौन सी बात होती है? मैं तो मेरी वो वाली भी ले ली अपनी दीदी वाले, फिर मैंने खा ली, फिर वो भी ले लिया, मुझे दूसरी वाली नई वाली दे दी। मैं पक्का बात बोलूं, मैं ना कि चालाकी समझ गया। पता है क्या, ये ना आइसक्रीम की जो कोन है ना टूटी हुई है और इसलिए आने मुझे पकड़ाई है ना। आप कितने गंदे हो यार, देखो टूटी हुई है इसलिए तो पकड़ा दिए। बहुत बड़े वाले, अब देखो अब ना खा रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाती, बात सोचती हूँ। जब से लेकर अभी तक घंटे में 4.5 घंटे में अच्छा गाना आया। अच्छा गाना है। वाह भी वाह। सॉन्ग भी बंद हो गया, नजर लग गई आपके इसको। इतनी देर से कोई भी सॉन्ग बंद नहीं हुआ था, इन्होंने ये वाला सॉन्ग इनका बहुत अच्छा वाला था वो बंद। आ गया आ गया। पानी लेने के लिए तो नहीं ना, उसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो रहा है। अरे यार पानी नहीं है उसमें, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है पानी निकालने के लिए, बिकॉज पीछे रखा हुआ है बॉटल। एक निकाली थी तो उन्होंने पूरा पानी पी लिया, पूरा पानी खत्म कर दिया। वैसे मैं काफी पानी लेके आई हूँ, बॉटल्स पड़ी हुई है। अभी हम लोग ओरछा से आगे आ गए हैं और ये अभी कुछ बाहर कुछ लेने के लिए गए हैं, कुछ खाने के लिए लेने गए हैं। और मैं ना लंच वगैरह लेके ही आई हुई थी, फ्रूट्स भी लेके आई थी, बट होता है ना जब तक बाहर का नहीं खाओ तो मन कहाँ भरता है किसी का, तो बस वही लेने के लिए लोग गए हुए हैं। ये लोग क्या यही गए हुए हैं लेने के लिए, बिकॉज हम दोनों अकेले ही आए हैं। तो चलिए चलते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत टाइम लगता है जाने में, पर ये होता है ना कि अपने घर जाने में ना एक अलग ही खुशी होती है, थोड़ा मज़ा आता है। तो चलिए तो ये अभी लेके आए हुए हैं ककड़ी, तो मैं खाऊंगी ककड़ी। ककड़ी क्या होता है, अच्छी होती है ना, गर्मी में खानी चाहिए। आप लोग भी खाया करो ठीक है, मुझे अच्छी लगती बट। ज़्यादा देर हो रही है और अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे, बट थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और आज का वेदर ना थोड़ा सा गर्म हो गया है, बिकॉज क्या होता है ना कि वहाँ का अच्छा था बट यहाँ थोड़ा सा ख़राब है, तो यहाँ पे ना धूप निकली हुई है। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे भी ना एकदम सर्दी सर्दी सी होगी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट कोई नहीं पहुँचने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं घर। क्यों बहुत दूर है यार मांगा, और इतना पास तो आ गया है, पता नहीं कहाँ आ गया पास। हम कह रहे हैं कि चले वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाओ। मेरे को तो यहीं पर उतार दो आप, ठीक है। बड़ी मतलब ही हो। सो गाइस फाइनली मैं घर अपने पहुँच गई हूँ, मम्मा ने बनाया हुआ है प्यारा प्यारा सा टेस्टी टेस्टी ना नाश्ता, तो चलिए हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। ये बनाई हुई है सूट पीनी, आई लव सूट पीनी, वो भी मम्मा के यहाँ की, आई लव दिस। और मेरे फेवरेट पनीर के पकौड़े भी हैं, जो कि मेरे हस्बैंड के फेवरेट भी हैं। सो हम लोग जल्दी से अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं, बिकॉज आने के बाद शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी हम लोग को जाना है पूजा में, तो मैं सोची हूँ चलो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, बिको कल इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बिल्कुल कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी मैं, तो चलिए चलते हैं और पूजा में चलते हैं। ये ना रेडी हो चुके हैं बट मैं ही बहुत लेट हो गया, तो चलिए चलते हैं। गाइस मैं अभी हूँ रेडी और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो चलिए अब चल के ब्रेकफास्ट करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो चलिए चलते हैं पूजा में और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जस्ट पूजा करके आए हुए हैं और अभी 2 बज रहा है, तो खैर हो गई है, काफ़ी धूप है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, और 10 बजे के गए थे, 2 बजे वापस आ रहे हैं, पूजा हो गई अच्छी तरह से, अब जा रहे हैं घर और खाना खाने, बहुत जल्दी भूख लग रही है बिकॉज सुबह से निकले हैं, बस ब्रेकफास्ट करा था घर से, तो चलिए चलते हैं घर। बाय बाय। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और ऑब्वियसली बात है आप सब जान सकते हो कि जब लड़कियाँ अपने मायके आती हैं तो कितना ज़्यादा बिजी होती है ना, और सबसे मिलने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं, वैसे कुछ ऐसे ही कहीं चलते हैं, और शाम के टाइम तो सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं, उसके बाद में जाना ताई जी के यहाँ पे, उनके यहाँ पे मिले हैं बिकॉज उनका कॉल आया हुआ था, और न्यू वाली जो भाभी उनसे मिलने के लिए जाना है, तो चलिए चलते हैं, इन्जॉय करते हैं, मज़े करेंगे अंदर से। बाय।
सो गाइस, यू रही मेरी न्यू वाली भाभी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और भाभी कम फ्रेंड्स आना है हमारी, जो हम मिलते हैं तो ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो गाइस, अगर ये मेरा छोटू सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो भी कर ली, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी आ गए हैं बाहर घूमने के लिए, सो लॉन्ग ड्राइव चल रही है और थोड़ा सा भी रुके हुए हैं, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए गए हैं इसलिए। सो गाइज, लॉन्ग ड्राइव चल रही है, फुल ऑन मस्ती हो रही है, मज़े कर रहे हैं हम लोग। और ये देखो ब्लू लाइटिंग कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मज़े आते हैं ना घूमने करने में। तो गर्मी का टाइम होता है ना, वो भी बारिश का टाइम होता है ना, तो